मुझे बहुत बार लोगों ने कमेंट करके बोला है कि मैम आप राइल स्ट्यू फीड, जो नाक से खाने की नली डाली जाती है, उसके बारे में बताइए कि कैसे देना है, कैसे केयर करना है। क्योंकि हेड एंड नेक कैंसर्स में मोर देन 80% पेशेंट में कभी ना कभी ट्रीटमेंट के दौरान नाक से नली डाली ही जाती है, जिसको हम बोलते हैं राइल स्ट्यू या फीडिंग ट्यूब या एनजी ट्यूब। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या, आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट, और आज हम बात करेंगे राइल्स ट्यूब फीड एंड डाइट एंड केयर। राइल्स ट्यूब बेसिकली क्या होता है कि प्लास्टिक का ट्यूब होता है जो पेशेंट जिनको खाने पीने में प्रॉब्लम आने लगती है कैंसर की वजह से या इलाज के दौरान या फिर एडवांस स्टेज कैंसर की वजह से, तो उनको नाक से नली डाल देते हैं जो कि पेट तक जाती है, और उसी से ही फिर हम ज़्यादातर लिक्विड डाइट देते हैं या कोशिश करते हैं सेमी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करके वो डाइट देने का। तो सबसे पहली चीज़ कि राइल्स ट्यूब किन किन पेशेंट में ज़रूरत पड़ती है, इंडिकेशन क्या होते हैं, जितने भी हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं सर्जरी के दौरान या रेडिएशन के ट्रीटमेंट के दौरान, जब वो मुंह में इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट आते हैं, म्यूकोसाइटिस हो जाती है, तो खाना पीना बंद कर देते हैं और वो वीक हो जाते हैं, तब हम राइल्स ट्यूब एडवाइस करते हैं। या फिर कुछ कुछ ब्रेन ट्यूमर्स के केसेस में भी राइल्स ट्यूब यूज़ की जाती है, या जितने भी ये जीआई ट्रैक की मेलिग्नेंसीज होती हैं लाइक फूड पाइप ईसोफेगस, जब वो फूड पाइप का कैंसर होता है, वो जब नहीं खा पाते हैं, तब हम राइल्स ट्यूब एडवाइस कर देते हैं। तो जो ये ट्यूब फीड है वो बेसिकली दो तरह से भी दिया जा सकता है, एक तो नाक से डाल दिया, दूसरा पेट से ही सीधे पैग जिसे हम बोलते हैं वो कर देते हैं, सीधे स्टमक में ओपन कर देते हैं। फीडिंग जुजनोस्टमी भी एक पार्ट है इसका। तो बेसिकली ये जो मैं डाइट बता रही हूँ वो सभी में ही काम आएगी। पहली चीज़ तो जब भी हम पेशेंट को बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे मैम ये मत बताइए, कुछ और ऑप्शन बताइए, इससे बेटर कि हम ताकत की बोतलें लगवा लें या कुछ और कर लें। वो हमेशा राइल्स ट्यूब को अवॉइड करते हैं, उन्हें लगता है कि ये बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा, नाक से नली कैरी करके हम कैसे जाएंगे, कैसे ट्रीटमेंट के लिए आएंगे। तो ये बात आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ताकत की बोतलें चढ़ाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये जिसे हम एंट्रल फीड बोलते हैं बहुत ज़रूरी होता है। जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं, जो हमारे आंतों में डाइजेस्ट होके हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन प्रोटीन एंड कैलोरी जा रही है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है एज़ कम्पेयर टू जो नसों से हम बोतलें वगैरह चढ़ाते हैं। तो ये आप अपने मन से निकाल दो कि वो ज़्यादा बेटर है। हमेशा कोशिश करो या तो मुँह से खाओ, मुँह से नहीं खा पा रहे हो, बहुत ऐसा रीज़न है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो राइल्स ट्यूब डलवा लो, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान एक अच्छा न्यूट्रिशन कैलोरी बॉडी को मिलना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं डाइट की, डाइट पे कैसे क्या करना है। तो डाइट में कोई भी ऐसा लिक्विड प्रिपरेशन जो उसके राइल्स ट्यूब की जो डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर होती है, जो होल होता है जिससे वो फूट जाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर का होता है, तो कोई भी ऐसी प्रिपरेशन जो उस नली से इजीली चली जाए हम दे सकते हैं। मेरा सजेशन है जब भी जिस पेशेंट का जिस हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट हो रहा है उस हॉस्पिटल में डाइट्रिशियन रहती है, डाइट्रिशियन जो मरीजों के खाने पीने का ध्यान देती है, बेटर है आप अपना डाइट चार्ट उनसे बनवाएं। उसका रीज़न है, रीज़न ये कि वो पेशेंट की कंडीशन को पूरा असेस करके उनका डेली का कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है उसके अकॉर्डिंग डाइट चार्ट बनाएंगी। दूसरी चीज़ क्या है, पेशेंट को बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं पर्सन को, मतलब लाइक ना जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, या किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो उसके अकॉर्डिंग पूरा मॉडिफाई करके डाइट चार्ट बना के देती हैं। तो मेरा सजेशन है कभी भी कुछ भी ऐसा होता है तो बेटर है डाइट्रिशियन से डाइट चार्ट लेना। अब आते हैं कि क्या दे सकते हैं। कोई भी लिक्विड फॉर्म दी जा सकती है, लाइक मॉर्निंग में आपने मिल्क दे दिया, मिल्क में आप प्रोटीन मिला के दे सकते हैं, रागी दे सकते हैं, या फिर शेक्स फ्रूट्स वगैरह आप उसमें मिल्क में शेक करके आराम से दे सकते हैं, दालों का पानी दे सकते हो, दलिया दे सकते हो, या जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनको अच्छे से बॉईल करो, ब्लेंडर में ब्लेंड करो और बहुत ही लिक्विड फॉर्म बनाकर छन्नी से छान कर वो जो पानी बनता है वो आप दे सकते हो, वेजिटेबल्स का सूप बना के दे सकते हो, मतलब कुछ भी ऐसी प्रिपरेशन जो अच्छे से कुक करके ब्लेंडर में ब्लेंड करके और उसको छन्नी से छान के लिक्विड फॉर्म निकाल कर आप पेशेंट को आराम से दे सकते हैं। जो राइस ट्यूब से जो फीड देने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हमेशा 200 से 300 अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि कितना देना है, 200 से 300 ml एवरी टू आवरली हमें ये फीड देना होता है। देने का तरीका, प्रिकॉशंस क्या क्या ध्यान देने हैं, इस बात पे बहुत ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप ये फीड देंगे पेशेंट को हमेशा बहुत ही हाइजीनिक वे में प्रिपेयर करनी है और हाइजीनिक वे में देनी है।
ग्लव्स पहनिए, ग्लव्स नहीं पहनना है तो अच्छे से हैंड को वॉश करिए ड्राई करके, तब आपको वो प्रिपरेशन देनी है। पेशेंट को कभी भी लाइंग डाउन पोजीशन में नहीं देना है, उसे या तो सिटिंग पोजीशन में बिठा के देना है। अगर वो किसी रीज़न से नहीं बैठ पा रहे हैं तो 30 डिग्री आप उसको मतलब एलिवेट करके दीजिए, सपोर्ट के साथ बिठा के दीजिए। जब भी आप देंगे राइल्स ट्यूब को क्लीन करना है, पहले चेक करना है, एक तो ये चेक करना है कि ये स्टमक में ही है नहीं है, थोड़ा सा हम एस्पिरेट करके देख लेते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट। और उसके दो फायदे होते हैं, एक तो ये देख लेते हैं कि हाँ ट्यूब सही जगह पर है, दूसरा ये भी देख लेते हैं कि कितना फीड आ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा होता है तो हमें थोड़ा सा वो अवॉइड करना होता है उस टाइम फीड देना, क्योंकि उसके स्टमक में ऑलरेडी दैट टाइम मतलब कंटेंट है, फूड है। और दूसरी चीज़ क्या है, आप उसे चेक करेंगे एंड नॉर्मल वाटर से क्लीन करेंगे, उसके बाद आप फीड देंगे। फीड देने के बाद भी आप 30-40 ml वाटर से उस राइल्स ट्यूब को क्लीन करेंगे। अगर पेशेंट को फीड के टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि कफ आ रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, या फिर वॉमिट होने लगा है, या फिर ब्लड वापस आ रहा है, कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको फीड फ़ौरन स्टॉप कर देना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर किसी भी सिचुएशन में राइल्स ट्यूब पुल आउट हो रही है तो कभी भी खुद से इंसर्ट नहीं करना है, मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर से हेल्प लीजिए, डॉक्टर से वो करिए, क्योंकि ऐसे में अगर आप उसको वापस डालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो लंग्स में चली जाए, फेफड़े जिसे बोलते हैं वो फूड पाइप के पास ही होते हैं, तो कभी कभी मिसप्लेसमेंट हो जाता है, तो ये आपको खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। किस किस सिचुएशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना है राइल्स ट्यूब फीड के टाइम पर, अगर पेशेंट को राइल्स ट्यूब पुल आउट हो गई है, डिस्प्लेसमेंट हो गई है, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रही है, इन्फेक्शन है, लीकेज है, पेशेंट वॉमिट कर रहा है, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी उठ रही है जब भी मैं कुछ खा पी रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो ये कुछ बातें थी जो राइल्स ट्यूब फीड के टाइम पे ध्यान देनी है एंड कैसे राइस टू फीड देना है, ये सब चीज़ें थी। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जब भी आप फीड देंगे ना, तो जो राइस ट्यूब होती है वो नाक से पड़ी हुई होती है, तो जो जब आप फीड डालते हो हमेशा 50 ml की सिरिंज या फिर साथ में एक एप्लीकेटर होता है फीड देने के लिए, जब भी आप बोलेंगे उसको ना उस लेबल को राइस ट्यूब के लेबल से थोड़ा सा अप रखना है, तो ताकि वो ईजिली स्टमक में जाए, रिवर्ट बैक ना हो और कहीं और एस्पिरेट करने के चांसेस कम हो जाएं। तो ये कुछ ऐसी बातें थी, टिप्स थी, जो आप ध्यान रखिए अपने पेशेंट का, केयर करिए और कोशिश करिए कि पूरे रेडिएशन के टाइम या किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट के टाइम अगर राइस ट्यूब बताई गई है तो आपको वो ध्यान से उनका कैलरी मेंटेन रखना है, खान पीन का ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके कैंसर रिकवरी में, कैंसर साइड इफेक्ट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगा। अगर किसी को राइल्स ट्यूब फीड है आपकी जान पहचान में, या किसी को कुछ नीड है, तो ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ भी क्वेरीज हैं ड्रॉप करिए, आई विल गिव रिप्लाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।